नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं विपिन चौधरी। आज हम इस समय कस्बा शामली में हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जनता जनार्दन इस समय हमारे साथ में जुड़ चुकी है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या ये लोग एक बार फिर से योगी सरकार को चाहते हैं या इस बार परिवर्तन के मूड में हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीव कुमार पप्पू। संजीव जी, 2022 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसमें किस तरीके का आप लोगों का निर्णय रहेगा? इसमें हमारा पूरा जोर शोर से रहेगा। अभी लोकदल को वोट देनी है, पूरी अड़कर दवानी भी है और जितनी मेहनत होगी उतनी करी जाएगी। बीजेपी का सफाया नहीं, मतलब बिल्कुल सफाया कर देना यूपी में से बिल्कुल। क्या दिक्कत है बीजेपी से? बीजेपी से दिक्कत ही दिक्कत है। बिल की कहेगी कुछ भी ले लो, जो भी पूछोगे सारी दिक्कत ही दिक्कत है। मतलब ताले तो लेकर रोटी खाने लोग मुंह है, ऊपर का आदमी के ताले तो लेकर ऊपर लोग मुंह पर रोटी जा, वो अभी सारी इन्होंने बंद कर रखी खाने की। कुकर खा सके आदमी, खा नहीं सकता। हम तो आपसे पूछ रहे हैं, कुछ बताइए तो सही। भाई जी, बिजली का बिल ठीक जी, वैसा बिल देख लो, घरेलू देख लो, ट्वेल्लो का देख लो, और जी क्या नाम क्या करें सारा जो जी, ये सिलेंडर ले लो जी, और कुछ भी ले लो जो चीज़ है, सारी की सारी किसान को तो तबाह करके धर दिया उन्होंने। तो इसलिए हम वोट नहीं देने के जी बीजेपी को। तो सुपनों में तो क्या, मतलब कई आगे लोग भी नहीं सोचा, अगली पीढ़ी भी चार पीढ़ी भी ना साथ वोट दे बीजेपी को, ये कितनी कुसामंद भी कर लो हमारी, हम वोट नहीं देने के कतई भी बिल्कुल भी। तो ये जो आप समस्याएं बता रहे हैं, इनका समाधान कौन सी सरकार कर सकती है? हमारा जयंत चौधरी करेगा, इस तरह का करेगा जयंत चौधरी, और पहले भी करता है चौधरी परिवार, किसानों की समस्या हल करता और आगे भी करता रहेगा जी। लेकिन आप लोगों ने तो 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें आरएलडी को वोट नहीं दिया, 2017 का जो चुनाव था उसमें आरएलडी को वोट नहीं दिया, 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें आरएलडी को वोट नहीं दिया। कितनी सीटें मिली आरएलडी को? आरएलडी को जो है उसका वोटर जो है गुमराह कर दिया था बीजेपी ने, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवा के उससे फर्क पड़ गया था। और ये तो जो है बहकाएगा भाई सारे मुसलमानों को, वो करवाएगा दिखाएगा ड्रामा सा करके, और भाई कहने का भाई मार दिया, खप दिया, खपा दिए, और यो कर दिया, वो कर दिया, और भाई वोट लेके लोगों को, भोले भाले लोग थे ये बेचारे, इन्हें तो नू दिक्कत जाना जा खत्म कर दे सारों को, जबकि ऐसी बात नहीं इन्होंने करी गा, इन्होंने तो और फंसा के घेर दिया किसान, ऐसे कर दिया। तो यार इसके बारे में नहीं सोचे, बीजेपी के बारे में कभी नहीं सोचे। देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो किसान वर्ग है वो वर्तमान सरकार से परेशान है। आप बताइए, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किस तरीके से आप देखते हैं? इस तरीका तो आप ये लगा लो पांचवी साल पूरी होने को जा रही है माननीय योगी जी की। तेल बढ़ गया, खाद बढ़ गया, बिजली का बिल बढ़ गया, गन्ने का एक पैसा नहीं बढ़ाएगा, कहाँ से आओगा? चौधरी चरण सिंह जी पहले कह गए थे 50 साल पहले, अगर किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है। यहाँ ऐसी कोई बात है नहीं, ना आगे नज़र आ रही। बहुत बुरी स्थिति जो अभी बताया ना, किसान को अपनी ज़मीन बंधक बनाएगा, क्रेडिट कार्ड लेना पड़ रहा, 10 दिन का पेमेंट आवा एक महीने में, 8-9 महीने लेट चल रहा सबसे। यहाँ हमारा पश्चिम गन्ने का क्षेत्र है और गन्ने की यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही, और यह 1 रुपया कहीं कसम खाने को इन्होंने बढ़ा कर दिया। वो खाद बढ़ गया, बिजली का बिल, तेल, एक गैस का सिलेंडर, महंगाई तो आसमान छू रही जो किसान के यूज की है। 2017 में आप जो है आरएलडी के कैंडिडेट रहे हैं और जनपद शामली की यदि हम बात करें तो ये तो किसान बेल्ट है। आपके अनुसार आरएलडी किसानों का भला करती है, लेकिन आप फिर भी चुनाव हार गए। हाँ, उसमें ये था खड़ा खड़ी, हमारा ये एक दिन पहले का टिकट था, हमारे प्रत्याशी का कोई दूसरे का टिकट था, पंकज मलिक का, वो एट ए टाइम छोड़ के भाग गए थे। मैं तो एक हफ्ते का हमें चुनाव मिला था, हमें 34,000 वोट मिला था, कम समय मिल गया। कहीं ऐसा तो नहीं जो 2013 में मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ है जिसमें जो है मुस्लिम और जाटों की आपस में जो है लड़ाई हुई है, और उसके बाद जो आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह की जो चुप्पी रही है, उसका नुकसान कहीं ना कहीं 2014 में, फिर 2017 में और फिर 2019 में आरएलडी को उठाना पड़ा है? नहीं, उसमें ये नहीं है, जो हमारे युवा वर्ग था वो नौकरी के वहाँ पर चला गया था, नौकरी उन्होंने दी नहीं, देने के बजाय और खोस ली, उसका परिणाम दे रहे हैं ये जब बारिश हो रही है हमारे सामने। अगर हमारे रेलवे लाइन पर अंडरपास बने हुए हैं और उन पर इन्होंने 2-2 करोड़ रुपए लगाए, जहाँ 3 आदमी को नौकरी मिलनी थी 25-25-30 हज़ार रुपये के हिसाब से, और उनमें 1-2 करोड़ से 3 करोड़ का बजट लगा, और वो पानी भरने का वो बेकार है वेस्टेज, मतलब उस पैसे के ब्याज में उनको युवाओं को नौकरी मिल जाती। अगर इन्होंने पूरे भारत में कहीं 3 लाख फाटक भी अंडरपास बनाए तो 9 लाख नौकरी होगी थी, 9 लाख हमारे युवा वर्ग को, आज सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार है। अच्छा, आप जो है समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हो चुका है, तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, आपको लगता है कि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा? ये जो गठबंधन हुआ है ये कोई गुल खिला पाएगा?
वो तो चोई साहब के ऊपर डिपेंड करेंगे, चोई साहब के किन पे सीट जाती है, पर लोकदल पे सीट आती है तो यहाँ जीत निश्चित है। ये वो गठबंधन मजबूती से लड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है। जो निर्णय चोई साहब का होगा वो सर्वमान्य होगा, हम अपनी तरफ से इस बारे में कोई वो नहीं कर रहे। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, लेकिन उनके एक जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, अबू आजमी, उन्होंने 2013 के दंगों पर कहा है कि जाट समाज ने तो जो है 2013 के दंगों के बाद मौलानाओं के पैरों में पड़कर उनसे माफ़ी मांगने का काम किया है। क्या जाट समाज जो है इस तरीके का जो है किसी के पैरों में जो है पड़कर माफ़ी मांगने वाला है? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो जो फैसले भी कराए चोई साहब आए थे, हम इसमें 2018 का उपचुनाव हुआ था, चोई साहब जैन चौधरी जी घर घर हर घर हर गांव गांव गए थे, हमने फैसले भी कराए उनमें। ऐसा नहीं है कोई भी किसी दबाव में कोई फैसला हुआ, ऐसा कोई नहीं है। सब वो आदमी का वो बयान आपने सुना नहीं? ना, हमने नहीं सुना। क्यों कह रहे क्यों जी, आपने सुना है? नहीं सुना जी, नहीं सुना। आपने सुना है जी? सुना था भाई जी, पर यह आदमी ठीक है, वो भी लोकदल का आदमी है भैया, सपकर हमारा गठबंधन हो रहा, जो कुछ कह रहा ठीक कह रहा वो भैया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, आप दो हजार तोड़ी की बात है भाई जी, आपस में पड़ा तोड़ी की बात है, एक बार वोटिंग की उंगा चली जा, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ बीजेपी की चाल है, कभी कुछ कुछ रहे पीछे देगा, किसी पर कुछ एक बात है। इन पर पैसा हो रहा बहुत, देश सारा बेच लिया उन्होंने, और बेचने के बाद में जितना पैसा इन पर इकट्ठा हो रहा सारा इसी काम में लगा रहे, और कहीं में थोड़े लगा रहे, विकास कार्यों में नहीं लगा रहे, सिर्फ इसी काम में लगा रहे। एक बहना क्यों कर हिंदू मुस्लिम पर ले जाओ। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि बीजेपी ने अबू आजमी को पैसे दे दिए और उन्होंने इस तरीके का बयान दे दिया, वो तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अजी पड़े हो ये चुपचाप पूछा हुआ है, इन पर बहुत मोटा पैसा हो रहा है, तड़े न पूछा कर कहते बेटे नुको जबान तो सबकी फिसल जा, फिर पैसा बहुत बड़ी चीज हो। तो अबू आजमी समाजवादी पार्टी में रहकर भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम कर रहे हैं? हाँ, उनका एजेंट है वो, अगर गलत बोल रहा है उनका एजेंट है, सब पब्लिक यही कहेगी, लोकदल वाले तो खास तौर पर और सपा वाले तो सब ये बताऊंगे कहना उनका एजेंट है वो, जितना भी वो कहेगा उतना ही वो है। आप बताइए भाई साहब, जो वर्तमान सरकार है, 2022 का विधानसभा चुनाव है, आप किस प्रकार से देखते हैं वर्तमान सरकार से, कोई दिक्कत है क्या? ये तो इससे घनी दिक्कत तो किसी को है ही नहीं। देखो गरीब से लेकर मजदूर भी मर गया, किसान भी मर गया, जो रिक्शा चला रहा वो मर गया, जब किसी पर लेन देन को खाली रिक्शा वाले भी ऐसी सरकार नहीं चाहती थी, उत्तर प्रदेश में तो चाहती ही नहीं। मजदूर से पूछ लो, हम तो किसान और किसान के बेटे हैं। गरीब मजदूरों को तो सरकार फ्री में राशन दे रही है, जो राशन से ही सारा काम चलेगा, बस छोड़ दो खेती कारी करनी, उसे राशन को खा के बैठ देंगे, बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे बताओ, सर्विस तो दे नहीं रहे। कहाँ आए 15 लाख, कहाँ आए 15 करोड़, कहाँ दे दी नौकरियाँ 15-15 लाख की, बताइए। तो खेती किसानी करने में कुछ समस्या है क्या? सारी समस्या ही समस्या, बीज कितना महंगा कर दिया, खाद कितना महंगा, बिल कनेक्शन देखो कैसी कैसी समस्या समस्या ही समस्या। क्या वे चावल गेहूँ दे के बिल वाले मान जगह के नहीं मानते जी? आप ये बताओ, जो पूर्व की सरकारें रही हैं, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार हो चाहे वह बसपा की पार्टी सरकार रही हो, तो क्या उन लोगों ने, उन सरकारों ने किसानों का कोई भला किया है? उन्होंने भला किया, बढ़िया बढ़िया भला किया, पर इतना बुरा नहीं करा जितना उन्होंने कर दिया, जितना बुरा उन्होंने कर दिया इतना नहीं करा। नौकरी दी, देखो BSP सरकार ने कितनी कितनी सूत्री फ्री में नौकरी दी है, ठगे नहीं। परसों तरसों सोली जो दंगा हुआ है नौकरी में रुपये लेने का, बहुत बड़ा मैटर है, तो देख लो कैसा बम फटकाएगा जब इसकी जाँच होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी RLD और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, लेकिन रिजल्ट तो शून्य निकला। हाँ वो था ना, कब की बार मोदी सरकार, हाय घर घर मोदी, हाय मोदी, वो बच्चे भकाई मारते, बच्चे बच्चे सबको आकर लागी ठोकर लगी ना, सबके माथे धरती में लग गए जा जाकर। इब कह मगा बेटे मोदी बताओ चाचा जी, कर घर मोदी का तो सीते सीतो कर दी, अरे मगा महाराज जी और बोला महाराज जी सुनते ही नहीं, किसी योगी जी सुने तो बताओ। लेकिन जनता तो अब भी कह रही है कि योगी सरकार कैसे, हाँ है अभी योगी सरकार है, इसलिए तो कह रही है अभी योगी सरकार, और आगे बोला ना योगी सरकार ना मोदी सरकार, आगे तो बोला चौधरी साहब की सरकार। कानून व्यवस्था अच्छी है, आपके चारों ओर सड़कों का जाल बिछ रहा है। नहीं सड़कें तो ये पहली मंजूर हो रही, वही तो आगे बढ़ा रहे हैं, कानून व्यवस्था कहाँ, फर्जी एनकाउंटर इसे कानून व्यवस्था कहें बताओ, कानून व्यवस्था इसी को कह क्या, कहाँ राजनी नहीं हो रही, 376 जितने इसमें बन रहे किसी में भी नहीं बने, किसी और ज़्यादा ना बोलो, महकमे की बात को कहना ठीक नहीं है, जितना इसमें सौदा चल रहा ना महकमे में इतना कहीं नहीं चल रहा, किसी MPML की सुनवाई हो रही थाने तहसील में हो रही हो तो बताओ बिजली विभाग में। RLD का और समाजवादी पार्टी का पूर्व में भी गठबंधन रहा है, सरकार रही है, तो इस क्षेत्र में क्या कोई विशेष कार्य हुआ है उस सरकार के दौरान? RLD के सभी का बढ़िया, सबसे बड़ी बात है भाई साहब, इनके बच्चे भकाई में आ नहीं सकते,
या जन कोई सी 36 कौम किसी वक्त ये मनिया में भाजपा के वोट गिर गया मीच का। और ये जो आप जो कहो ना दंगे की फुलाने की बात, ये तो घर में भी रुका रोड़ा हो जा बस हो गया वापस हमारे एडजस्टमेंट, ये कोई बात ही नहीं है। यानी जाट समाज ने जो 2013 में मुस्लिम और जाट का जो दंगा हुआ था उसे भुला दिया है। मुस्लिम और जाट का क्या दो था, घर में ही तो ऐसा ही एक ही तो बात है, किसानी बिरादरी तो ऐसा ही। वो गुल मोहम्मद ने कहा नहीं था, बोला हो जा आपस में बेटे छोटू का हो गया, वो तो सब कुछ एडजस्ट हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं भी। तो यहाँ पर हमने शामली कस्बे में किसानों से बातचीत की है, इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि महंगाई को यह सरकार कहीं कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए शामली से विपिन चौधरी।